हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 22, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, पार्ट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में हमने क्या किया है, अब तक 11 एडजस्टमेंट हमने की है। 11 एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एडजस्टमेंट हुई है, उसके बाद एडजस्ट नंबर 12 हम लेकर चलेंगे। देखिए कौन कौन सी 11 एडजस्टमेंट। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। दीज आर द 11th एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ऑफ दिस। आज हम 12th एडजस्टमेंट लेके चलेंगे, तो 11 एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी है। देखिए 12th एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए प्लीज, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है जिन डेटर से हमने डिस्काउंट अलाउड करा उसके बारे में पहले ही प्रोविजन बना लेते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है तो पहले डेटर में से उसको लेस करेंगे, फिर सेकंड हम प्रोविजन जो बनाते हैं उसको लेस करेंगे, थर्ड में आएगा फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेता हूँ, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, डेड डेट्स 5,000 रुपये थी, उसके बाद 5% का प्रोविजन बनाना है और 3% का फिर हम कहते हैं कि आपने डिस्काउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और डेटर जो हमें गिवन दे रखा है ट्रायल बैलेंस वो 1,05,000 है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा डी स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट होगा 1,05,000 में सबसे पहले 5,000 लेस कर देंगे तो 1,00,000 आएगा, 1,00,000 का 5% प्रोविज़न बनाएंगे 5,000, तो फिर 95,000 आएगा। अब 91,000 का 3%, 3×5=15, 3×27=28, आपने 2,850 का प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। एक बार कहाँ शो करेगा, पी एंड एल की डेबिट साइड आपने यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, और दूसरा इफेक्ट एसेट्स में डेटर में से लेस कर देंगे। जैसे बैड डेट्स लेस हुआ था प्रोविजन, वैसे डिस्काउंट ऑन 2,850 भी हम लेस कर देंगे। तो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो आ रहा है वो वर्ड आ रहा है जीएसटी। जीएसटी आपने पहले भी पढ़ा है, जीएसटी का लेसन कर आ रहे हैं। तो जीएसटी कैसे दी होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी में दो वर्ड आए थे आपने सुना होगा, एक आउटपुट और एक इनपुट। अगर ट्रायल बैलेंस में ये ज्यादा हो ये कम हो तो एसेट्स में आएगा, इनपुट एसेट्स में, और यदि ये ज़्यादा हो आउटपुट और इनपुट कम हो तो आपका लायबिलिटी में आएगा। ध्यान रखना, आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट, अगर ये ज़्यादा है तो लायबिलिटी में, और ये इनपुट अगर ज़्यादा है आउटपुट से तो आपका एसेट साइड में आएगा। तो दिस इज़ द डे जीएसटी के रिगार्डिंग में हमने बात की थी, आउटपुट और इनपुट जीएसटी अगर आपको दे रखी है, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो,
आपने हमेशा ध्यान रखना आउटपुट और इनपुट में, फिर रिपीट कर देता हूँ, इनपुट इज ग्रेटर देन, अगर आउटपुट से इनपुट ज़्यादा है तो आपने शोन करनी एसेट साइड में, और यदि आउटपुट हमारी ज़्यादा है इनपुट से तो लायबिलिटी साइड में शोन करनी। जैसे उदाहरण के लिए आउटपुट 50,000 है CGST, इनपुट कितनी है हमारी 30,000 है, तो 50 में से 30 घटाने के बाद जो 20,000 है वो आएगा लायबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ इनपुट अगर आपकी 40,000 है और आउटपुट 20,000 है तो 40 में 20 घटाकर फिर आएगा आपकी एसेट साइड में। तो ये ट्रीटमेंट था आपका GST के रिगार्डिंग में। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में जो भी टॉपिक हमने करवाया है वो आ रहा है, तो देखिए प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले मैंने बताया था हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कितनी तारीख को आप बना रहे हैं, तो ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018। ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। तो ये साइड डेबिट और क्रेडिट स्टार्ट हमारा कहाँ से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी ओपनिंग स्टॉक से होती है, इफ तो दे रखा है, और उसके बाद एडजस्टमेंट को मैं पढ़कर बताऊंगा। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चंस इज 32,200। फिर उसके बाद हम परचेज पे आते हैं, परचेज अगर दे रखी है, रिटर्न ना दे रखी है तो डायरेक्ट लिख देंगे, परचेज रिटर्न दे रखी है तो उसको हम लेस करेंगे, तो दे रखी है परचेज है 180,000, लेस परचेज रिटर्न 6,200, तो 008 9 में 6 के 3, उसके बाद 173,800 173,800। नेक्स्ट सेल दे रखे 355,600 बाई सेल्स, 355,600 लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दे रखी है 4,500, 001,541,351,100। इधर सिर्फ आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन कर रखा है इन्होंने 56,700, तो ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब इधर आइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट है तो इसमें कैरी जोन परचेज है, फ्यूल एंड पावर है, वेजेस एंड सैलरी है। कैरी जोन परचेज ये स्टूडेंट्स यहाँ आएगा और सेल आएगा आपका P&L में, कैरी जोन परचेज, फ्यूल एंड पावर एंड वेजेस, टू 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 टू, कितना कितना दे रखा है 2,685,000, 2,685,000, 8,500 और 21,000। ये साइड ज़्यादा है जोड़ कर लीजिए, ये जोड़ आ रहा हमारा 407,800। इसमें से हमें ये लेस करना जोड़ के, जो आएगा हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा, जिससे आप कैरी डाउन करेंगे जो P&L में ले जाएंगे, और वो है 169,700। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला जो अकाउंट है वो आपका बन चुका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद कौन सा बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो GP आया था उसको तो ट्रांसफर करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सबसे पहले हमने GP को ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। GP इधर था, इधर लाए, लॉस होता तो इधर चला जाता, ब्रॉट डाउन 169,700। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इनडायरेक्ट, सबसे पहले कैरीज ऑन सेल्स परचेज आया था, तो कैरीज ऑन सेल्स बिक्री पर भाड़ा जो दिया गया है
वो है 1500 रुपये। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द बिल्डिंग 5% और मशीनरी पे 10%। तो बिल्डिंग पे और मशीनरी पे, बिल्डिंग पे जब हम लगाएंगे तो हमारा 7500 रुपये है, मशीनरी पे 7200 रुपये, 7500 रुपये और 7200। तो फिर कितना आ रहा है टोटल हमारा, 14700। ओके चलो आगे, उसके बाद है रेंट। देखिए रेंट क्या है, रेंट है 4000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने में 48000 हो गए, 48000 में 4000 तो दे रखा है, तो 2 rent 40,000, एड आउटस्टैंडिंग 8000, तो टोटल कितना होगा आपका, 48000 रुपये होगा। तो रेंट हमारा कितना आया, 48000। जनरल एक्सपेंसेस 15000, और इसमें कहता है लेस ऐड दे रखे इंश्योरेंस प्रीपेड के 1000 रुपये, तो 15 में एक घटा के कितना आ जाएगा, 14000। ओके उसके बाद हमें दे रखे बैड डेट्स न्यू प्रोविजन लेस। देखो मैंने उस दिन ही बताया था, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, सबसे पहले बैड डेट्स फिर न्यू प्रोविजन, अगर ये दोनों ज़्यादा ओल्ड है कम तो इसमें से ये घटा देंगे, नहीं तो उधर चले जाएंगे। तो बैड डेट्स इसमें बना रखे डे स्टूडेंट्स हमने 5000 रुपये के बैड डेट्स है और 4000 का न्यू प्रोविजन है। बैड डेट्स 5, जितने डेटर 5 घटा देना, न्यू प्रोविजन 4000, तो 5 और 4 हो गए 9000। लेस ओल्ड जो क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में, और वो दे रखे आपका ओल्ड प्रोविजन मात्र 2000, बैड डेट्स 1500 है और ये 4000, डे स्टूडेंट्स ये 1500 है खाली और ये 4000, तो टोटल कितने हो गए, 5500। लेस ओल्ड प्रोविजंस, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है हमें 2900, तो हमारे पास आ जाएगा बड़ी मछली ये हुई तो ये घटा देंगे तो 2600 रुपये का। ओके उसके बाद हमें क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो मैंने अभी टॉपिक बताया था, इस ये भी घटाने के बाद हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ये बना रखा है डियर स्टूडेंट्स प्रोविजन जो बना रखा है वो कितना बना रखा है, 2% बना रखा है, और वो है 1520 रुपये। ओके चलो जी, ये साइड तो हमारी कंप्लीट हो गया, अब इधर आइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डियर स्टूडेंट्स, 3600 रुपये। कमीशन दे रखा है रिसीव्ड 7500 रुपये, जिसमें 1/3 एडवांस है, 1/3 है तो 2500 रुपये एडवांस होगा, तो आपका बनता कितना, ऑन 5000, ये एडवांस है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1100। एक बार यहाँ आएगा और एक बार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में है तो हम कहाँ शो करेंगे, हम इसको लेस करेंगे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डियर स्टूडेंट्स कैपिटल में से। ये हमने जोड़ किया, इसका जोड़ आ रहा है हमारा 179400, 179400, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है हमारा 97080, 97080। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के बारे में मैंने पहले भी बोल रखा है, बैलेंस शीट एज एट और जितना भी डेबिट बैलेंस है वो एसेट्स में मार करेगी और लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस मार करेगा, और हम एडजस्टमेंट को करेंगे। हियर इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018। चलो जी, बैलेंस शीट आपकी एज एट 31st March 2018 है, ये लायबिलिटी साइड है, ये आपकी अमाउंट है इन रुपीज, ये आपकी एसेट साइड है और ये अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले कैश ले लीजिए, कैश हमारे पास है डियर स्टूडेंट 3000। डेटर ये एडजस्टमेंट देखिए पहले क्या है, 81500 के डेटर थे,
लेस सबसे पहले बैड डेट्स 1500 रुपए के थे, फिर 80,000 आ गा, लेस प्रोविज़न 4,000 का तो 76,000 आ गा, लेस प्रोविज़न डिस्काउंट ऑन डेटर 1,520 था, बाकी बचे हम लिख देंगे यहाँ पर, और वो अमाउंट है आपका 74,480। तो आगा समझ में डेटर के रिगार्डिंग। उसके बाद है हमारा क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड इंश्योरेंस आपने 15,000 में 1,000 बनाया था, 14,000 लिखे थे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी 56,700 रुपये। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट मशीनरी। इन्वेस्टमेंट मशीनरी में लेस डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग आल्सो लेस डेप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16,000 रुपये। मशीनरी 72,000 की थी जिसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10% 7200, तो 64,800 रुपये आ गए। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी वैल्यू थी 1,50,000 की जिसमें 5% डेप्रिसिएशन था, 7500 रुपये, तो 1,42,500 रुपये। ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका जोड़ करेंगे, इधर आ जाइए। अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन इशू। क्रेडिटर है जो गिवन कर रखे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट जो एडजस्टमेंट थी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था 2500 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट था 8,000 रुपये। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट के साथ हमने जो GST बताया वो मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। क्रेडिटर था 28,000 रुपये, तो 28,000 है 8,000। यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट में देखिए 8,000 में प्लस कर देना, 9% के हिसाब से GST लग रही है, 720 प्लस 720, तो ये अमाउंट आपने लिखा है 9,440 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्किंग नोट में भी गिवन है। कैपिटल, उसके बाद कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद GST आउटपुट, और इसमें से घटा देंगे लेस इनपुट। आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा होती तो उधर जाती, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही 2,26,097,080। 2,26,000 कैपिटल है आपकी, 97,080 प्रॉफिट है, ड्राइंग्स हमें दे रखे दोनों 23,100 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़कर, और तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, 23,100 लेस करने के बाद दी स्टूडेंट 2,99,980। आउटपुट इनपुट के बारे में फिर बता देता हूँ कि आउटपुट GST और किस में से, तो इनपुट को घटाने के बाद कितना आ रहा है, ये 25,000 में से 15,720 घटाएंगे CGST और 15,720, ऐसे ही SGST में 25,000 माइनस 15,720 घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें से लिख देंगे 9,280। जोड़ बराबर आए तो आपका सवाल ठीक होगा, अन्यथा गलत होगा। जोड़ आ रहा है 3,58,480। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने दोनों कंसेप्ट आपको GST के रिगार्डिंग भी बता दिए हैं, और आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके स्टूडेंट, चलिए अपने होमवर्क की तरफ। क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, प्लीज़ होमवर्क हमारा जो होगा वो इलेक्शन नंबर 8 तक होगा। इलेक्शन नंबर A1 to 8 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ द 1 to 8 इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416588669। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।